बिहार के गया में पासिंग आउट परेड में चयनित होकर सेना में लेफ्टिनेंट बने सौरभ की घर वापसी पर खुशी का माहौल देखने को मिला। लेफ्टिनेंट सौरभ उधम सिंह नगर के किच्छा के रहने वाले हैं। सौरभ के पिता का कहना है कि उनको अपने बेटे पर गर्व है। मेरे बच्चे का शुरू से देश सेवा का मन था, उन्होंने ठाना हुआ था कि मैं देश सेवा में जाना चाहता हूँ और इसीलिए इस क्रम में उन्होंने एनडीए के थ्रू आज देश सेवा का करने का फैसला किया है। और आज कल गया मैं पासिंग आउट परेड के दौरान लेफ्टिनेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट उनको मिला है धरांधरा गुजरात में, और अब वो परमानेंट सेना के अंग बन गए हैं और तन मन धन से देश को समर्पित हैं। और उनका जो सोचना था कि मैं देश सेवा करूँ और देश सेवा के लिए आज तैयार। सेना में प्रशिक्षण के दौरान सौरभ ने फायरिंग में बेस्ट इन फायरिंग का पुरस्कार प्राप्त किया। सौरभ का कहना है कि उन्हें भारतीय सेना में शामिल होकर उत्तराखंड का नाम रोशन करना है। मौका मिलता है कि हम डायरेक्टली सेवा करें इस देश की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो मौका लेना चाहता हूँ। मैं काफ़ी गौरवान फील करता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं पिछले काफ़ी सालों से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि उत्तराखंड से काफ़ी सैन्य अधिकारी हमें मिल रहे हैं। देखिए, इस चार साल के टेन्योर में अगर आपको इस चार साल का टेन्योर पार करना है, तो सबसे पहले मैं मानूंगा कि आप दिमाग से सख्त होने चाहिए। फिजिकली तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप हो जाते हैं, लेकिन आप अगर दिमाग से अपने स्ट्रॉन्ग है, तो मैं चाहता हूँ कि आप चार साल के अगर इस ट्रेनिंग पाँच साल की हुई तो आप पूरी कर लेंगे। सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और शिक्षकगणों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँ। सौरभ के लौटने पर उनके स्वागत में विधायक भी मौजूद रहे। विधायक समेत क्षेत्र के सभी लोगों ने सौरभ को बधाई दी। उधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।